Start. Good morning, students. Welcome back to SST class. Today I would be starting a new chapter, the movement of the earth. Kya hai? The movement of the earth. Movement of the earth ko Hindi mein पृथ्वी की गतियां कहते हैं, ठीक है। इस चैप्टर में है सबसे पहले द शेप ऑफ द अर्थ। आज हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? मूवमेंट ऑफ द अर्थ। मूवमेंट ऑफ द अर्थ का क्या होता है हिंदी? पृथ्वी की गतियां, ठीक है। इस चैप्टर में सबसे पहले द शेप ऑफ द अर्थ के बारे में पढ़ना है। हमारे अर्थ का शेप कैसा है इसके बारे में। मेनी इयर्स अगो पीपल बिलीव दैट द अर्थ इज फ्लैट। अर्थ वाज फ्लैट। मेनी इयर्स अगो पीपल बिलीव दैट द अर्थ वाज फ्लैट। बहुत साल पहले लोगों का विश्वास था कि अर्थ कैसा है? फ्लैट है। अर्थ कैसा है? फ्लैट है। यानी बहुत साल पहले लोगों का मानना था, लोगों का विश्वास था कि अर्थ फ्लैट है। इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स आर्यभट्ट एंड भास्कर डिस्कवर्ड दैट द अर्थ इज sphere and its spins on its axis. Indian astronomers कौन थे? आर्यभट्ट और भास्कर। Indian astronomers आर्यभट्ट और भास्कर जिन्होंने अर्थ की खोज किए और बताए कि अर्थ अपने एक्सिस पे स्पिन करती है, अर्थात घूमती है, ठीक है। तो इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स आर्यभट्ट और भास्कर ने अर्थ की खोज किए और उन्होंने बताया कि अर्थ गोल है, स्फीयर है। उन्होंने क्या बताया? कि अर्थ स्फीयर है और वह अपनी एक्सिस में स्पिन करती है, ठीक है। आगे है, बट ग्रेट एक्सप्लोरर लाइक फर्डिनेंड मैगेलन एंड एस्ट्रोनॉमर लाइक निकोलस कोपरनिकस प्रूव्ड देम राइट। तो हमारे इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स आर्यभट्ट और भास्कर ने तो साबित कर आर्यभट्ट और भास्कर ने डिस्कवर किया कि अर्थ का शेप गोल है, ठीक है, और वह अपने एक्सिस में मूव करती है, स्पिन करती है, यानी घूमती है। लेकिन हमारे ग्रेट एक्सप्लोरर कौन थे? फर्डिनेंड मैगेलन। और एस्ट्रोनॉमर थे निकोलस कॉपरनिकस, जिन्होंने यह साबित कर दिया कि अर्थ क्या है? अर्थ सर्कुलर है, यानी गोल है। तो टुडे वी नो दैट
लॉर्ड इज ए स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ। पिछले चैप्टर में भी ग्लोब के बारे में हम आप लोग को बताए थे कि व्हाट इज ए ग्लोब, ठीक है। तो उसका बताए थे कि व्हाट इज ए ग्लोब, तो उसका बताए थे कि ए ग्लोब इज ए स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ। ग्लोब पृथ्वी का एक छोटा सा प्रांत है ना, जिसमें ग्लोब में क्या है, ओशियंस, सीज, कॉन्टिनेंट को छोटा करके दिखाया जाता है, ठीक है। तो अब आगे है मोर अबाउट द अर्थ, अर्थ के बारे में। Globe spin around Earth. Big has two ends. Globe देखे हो कभी? अगर देखे होगे तो उसमें देखे होगे कि globe तो गोल होता है, उसमें stand लगी होती है, लेकिन globe के बीचों बीच एक rod होता है। तो वही कारण है कि globe जो है वह उस rod पे spin करती है जिसमें दो इंड होते हैं, यानी एक ऊपर वाला पॉइंट और दूसरा नीचे वाले पॉइंट को टू इंड पॉइंट कहा जाता है। द अर्थ ऑल्सो स्पिन और रोटेट्स ऑन एन इमेजिनरी लाइन कॉल्ड एन एक्सिस। अर्थ जो रोटेट करती है या स्पिन करती है, अर्थ जो घूमती है वो क्या करता है, अपने ही एक्सिस में रह करके घूमती है, अपने ही इमेजिनरी लाइन में रह के घूमती है। अर्थ जो रोटेट करती है या स्पिन करती है, अपने ही इमेजिनरी लाइन में रह करके स्पिन करती है या रोटेट करती है, जो एक्सिस कहलाता है। द टॉप इन और नॉर्थर्न मोस्ट पॉइंट इज नोन एज नॉर्थ पोल। पिछले चैप्टर में हम बताए थे आप लोगों से कि ग्लोब का जो अपर पार्ट होता है, ग्लोब में जो अपर पार्ट होता है उसका जो एंडिंग पॉइंट है अपर पार्ट का, उसको नॉर्थ पोल कहते हैं। तो इसमें भी आपको वही कह रहा है कि ग्लोब का जो नॉर्थर्न मोस्ट पार्ट है उसे नॉर्थ पोल के नाम से जाना जाता है। और द बॉटम इंड और द साउथर्न मोस्ट पॉइंट इज कॉल्ड साउथ पोल। तो ग्लोब का जो नॉर्थर्न मोस्ट पॉइंट है नॉर्थ पोल कहलाता है, और जो बॉटम इंड पॉइंट है, बॉटम मतलब सतह यानी निचला नीचे का जो एंडिंग पॉइंट है वह साउथर्न मोस्ट पॉइंट है, जिसे साउथ पोल कहते हैं। द एस्ट्रोनोमर हैव फाउंड दैट द एक्सिस ऑफ आवर अर्थ डज नॉट स्टैंड अपराइट। एस्ट्रोनोमर तो देखे ग्लोब को देखे होंगे कि वो थोड़ा सा झुका हुआ होता है, यानी ग्लोब तो हमारे अर्थ का मॉडल है, इसका मतलब हमारा अर्थ भी अपने एक्सिस में थोड़ी सी झुकी हुई है। तब तो जो एस्ट्रोनोमर्स ने पाया कि हमारा अर्थ अपने एक्सिस पे सीधा खड़ा नहीं है, है ना, स्टैंड अपराइट डज नॉट स्टैंड अपराइट, यानी ये अर्थ अपने एक्सिस पे सीधा स्टेट खड़ा नहीं है, वह अपनी कक्षा में क्या करता है, थोड़ी सी झुकी हुई है, और इस तरह से वो खड़ा है, ठीक है।